गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz के इक्वल होती है, ये अपने प्रूव करना है। आप अगर सॉल्यूशन की तरफ चले, जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके कोल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यानी कि इसको अपा इसके इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन बात ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान दो आप कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके इक्वल होता है और x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल दे रखा आपको भी जीरो के इक्वल दे रखे, जीरो इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सॉरी प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। अगर ये टोटल जीरो के बराबर है तो माइनस 3xyz को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3xyz के इक्वल आ गया। तो यही आपको प्रूव करने के लिए कह देता, हैंस प्रूव हो जाएगा। यहां से आपने एक बात सीखी है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। इस बात को आप दोबारा ध्यान दो क्योंकि इसके बेस पर आगे क्वेश्चन आने वाला है। देखो भी, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको वैल्यू निकालने के लिए कह दिया, माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब एक मिनट के लिए इसको ए मान लो, इसको बी के इक्वल लेट कर लो और इसको सी के इक्वल लेट कर लो 5। इन तीनों का प्लस करके देखोगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड समझ लो चाहे, माइनस का 12 प्लस 7 प्लस में 5, इनका जो प्लस आ गया वो माइनस 12 प्लस 12 जीरो के इक्वल आ गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के इक्वल होगा। यानी कि ये जो होगा, ये जो होगा हमारे पास माइनस का 12 क्यूब प्लस का 7 की पावर 3 प्लस में 5 की पावर 3, ये होगा 3abc के इक्वल आएगा, जिसमें 3 की जगह 3 काम करेगा, a की जगह माइनस 12 काम करेगा, b की जगह 7 काम करेगा और c की जगह 5 काम करेगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई इन सबको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1260, ये हमारा आंसर आ गया। किसके इक्वल आ गया, माइनस 12 क्यूब प्लस का 7 क्यूब प्लस में 5 क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस का 1260। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो 3xyz के इक्वल ही होता है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। इसका सेकेंड पार्ट भी ट्राई करते हैं। तो 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 है। ए इज इक्वल टू 28, बी इज इक्वल टू माइनस का 15 और सी इज इक्वल टू क्या, माइनस का 13। ए प्लस बी प्लस सी करके देख लेते कितना आता है, 28 माइनस 15 माइनस 13, ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया 28 माइनस 28। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, जीरो के। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3abc के इक्वल होती है। ए की जगह 28 काम करेगा, बी की जगह माइनस 15 काम करेगा और सी की जगह माइनस 13 काम करेगा। ये आएगा 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 इज इक्वल, इन सबको आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 16380, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ब्रेथ इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है। ये आपको एरिया दे रखा है,
तो आपने क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी और एक ब्रेथ निकालनी है। तो आपको जैसे कि बताया था 2.4 के अंदर इसके फैक्टर बनाने सिखाए थे, तो कैसे सिखाए थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारे पास भी ये आता है 350 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 300 आता है। तो दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि उन दोनों को आप प्लस करें या माइनस करें, -35 के इक्वल आए। वो दो नंबर ऐसे हैं 20A माइनस का 50, नहीं प्लस का क्या आ गया 12। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -35 आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। पेयर बनाएंगे इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 5A कॉमन आ जाएगा, 5A माइनस 4, -3 कॉमन आ गया, 5A माइनस 4 ये आ गया, 5A माइनस 4 इंटू 5A माइनस 3। तो एक को लेंथ मान लोगे एक को ब्रेथ मान लोगे तो आप लिख सकते हैं वन पॉसिबल आंसर, वन पॉसिबल आंसर इज, तो लेंथ ये आ जाएगा 5A माइनस 4 यूनिट और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 5A माइनस 3 यूनिट इसकी ब्रेथ मान ली जाएगी। इसी तरह से अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर के, फाइंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम दे रखे आपको भी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है 3x² माइनस 12x दे रखे, इसके भी फैक्टर बनाएंगे। इसके अंदर 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा एक्स माइनस 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो क्योंकि क्यूबाइड की 3 साइड्स होती हैं तो आप लिख सकते हैं वन पॉसिबल आंसर इज, लेंथ को 3 यूनिट मान लेते हैं और ब्रेथ ये आ जाएगा एक्स यूनिट और हाइट जो होगी हमारी ये आप मान लेते हैं एक्स माइनस 4 यूनिट। लेंथ को एक्स यूनिट भी मान सकते हैं, इसलिए तो मैंने यहां पर लिखा है वन पॉसिबल आंसर। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।